राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जनपद स्तरीय कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर CDO को सौंपा ज्ञापन। जिला झांसी के अंतर्गत मऊरानीपुर विकास खंड के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर CDO झांसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिले के सभी विकास खंडों के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न के संबंध में शासन को अवगत कराया। सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संबंध में मऊरानीपुर के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक ब्रजेंद्र तिवारी एवं सुमित्रा व अमित बड़े बाबू ने कहा, हाँ साहब, आप अपने विभागीय आंदोलन के संबंध में बताइए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में के जितने भी समस्त कार्मिक हैं, यह 10 सूत्रीय अपनी मांगों को लेके कई बार ज्ञापन दिए हैं विभागीय, और हमारा जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन के माध्यम से अपना अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी इन मांगों पर विचार किया जाए। विगत हम 4 सालों से 2000 NRLM से शुरुआत से ही हमारे विभिन्न तरीके से भर्ती हुई। हम लोग 2017 से यहाँ पे हुए, ना ही 3 सालों में कोई इंक्रीमेंट हुआ है। जिस प्रकार से हमारा कार्य को लेकर इस प्रकार से बहिष्कार है, लेकिन हमारा इससे कई परिवार जुड़े हुए हैं। करीब झांसी जनपद में 6,500 समूह हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर हमारे ही मनोबल को डाउन किया जाता है। और कोई भी संस्था हो, बिना मानव संसाधन के नहीं चल सकती। मानव संसाधन का आपका कार्य अनुसार कम से कम न्यूनतम जो चीज़ें हों, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिलें। इसमें हमारी अभी कुछ ACS साहब ने हमारी कुछ मांगों को स्वीकार किया है, और कुछ चीज़ों में अभी हमारी मांगें जारी हैं, जिसको लेके हम अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ बोलिए, आप एक मिनट, हाँ आप भी बोलिए, थोड़ा दो शब्द बताइए आप। विगत 2 सप्ताह से हम लोगों के यहाँ जनपद झांसी में कार्य बहिष्कार चल रहा है, और जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस इतना ही हम जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरव अवस्थी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मऊरानीपुर ने ब्लॉक मऊरानीपुर सभागार में बैठक की। जिला झांसी के अंतर्गत विकास खंड मऊरानीपुर में गौरव अवस्थी ने पंचायत सहायक रोजगार सेवकों की बैठक की। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में लगने वाली ड्यूटियों के संबंध में शासन के नियमानुसार चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते विभिन्न जानकारियां अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी गौरव अवस्थी ने रोजगार सेवकों एवं पंचायत सहायकों को दी, साथ ही कंप्लीट कैमरे भी उपलब्ध कराए। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी गौरव अवस्थी ने बैठक में रोजगार सेवकों एवं पंचायत सहायकों को निर्देश देते हुए कहा, हाँ सर, आज की मीटिंग के संबंध में बताया। आज जिन लोगों की ड्यूटी लगी है इलेक्शन में, उनके परिचय पत्र बांटे जा रहे हैं, उनको कैमरे दिए जा रहे हैं, और साथ ही उनको ये बताया जा रहा है कि वो लोग अपनी जिनकी ड्यूटी लगी है, वो लोग अपना मतदान 12, 13, 14, 15 में जाकर झांसी GIC में कर सकते हैं। तो इसी संबंध में आज सभी को बुलाया गया है। इसमें पंचायत सहायक अनुदेशक और रोजगार सेवक लगाए गए हैं। कुछ लोग जोनल मजिस्ट्रेट के साथ हैं, कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ हैं, और कुछ लोग बूथ पर लगे हैं। सभी लोगों को ड्यूटियाँ वितरित की जा रही हैं।